शर्मा। आइए देखते हैं आज क्या खास रहा बीकानेर में। रविवार को बीकानेर में 22 सेंटर पर आयोजित की जाएगी नीट की परीक्षा, तैयारियां हुई पूर्ण। नेट की परीक्षा के मद्देनजर इस बार रविवार को खुले रहने के बाजार जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। तेलहरा गांव के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, दो सैन्य अधिकारियों की मृत्यु, दो गंभीर घायल। गोगागढ़ सर्किल पशु चिकित्सालय के पास ओवरलोडेड बस ने तोड़े बिजली के तार, गुस्साए दुकानदारों ने की सड़क जाम। हावड़ा जोधपुर स्पेशल गाड़ी नए नंबर से होगी 1 अक्टूबर से संचालित। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर यातायात पुलिस ने काटे चालान। अब खबरें विस्तार से। देश स्तर पर रविवार को नीट की परीक्षा आयोजन होने जा रहा है, जिसके तहत बीकानेर में 22 सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर पर परीक्षा देने के लिए संभाग और राज्य से हजारों विद्यार्थी आएंगे, तो वहीं इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आदेश निकालकर रविवार को सभी प्रतिष्ठान खुले रखने के आदेश जारी किए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने आदेश निकालकर रविवार को लॉकडाउन में पूर्ण तरह छूट देने और प्रतिष्ठान खुले रखने के आदेश जारी किए हैं। परीक्षा के दौरान बैठने वाले परीक्षार्थियों के रूम को हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजर करके कोरोना संक्रमण से बचाव का उपाय किया गया, तो वहीं परीक्षार्थियों को पहले ग्राउंड में सैनिटाइजर करके मास्क और आईडी प्रूफ के बाद ही परीक्षा देने के लिए प्रवेश कक्ष में भेजा जाएगा। हमारे संवाददाता ने की परीक्षा पर्यवेक्षक से बातचीत। ये नीट का एग्ज़ाम जो कल 2 से 5 होगा, इसके लिए पूरी तैयारी 3 दिन से चल रही है और 3 दिन से हम लगातार हमारे रूम्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। सीटिंग व्यवस्था कर दी गई है। 240 कैंडिडेट हमको दिए हैं और उन 240 को आने का टाइम नीट के द्वारा भी 4 भागों में बांटा गया है, ताकि सेंटर पर भीड़ न लगे। और हमारे द्वारा ये प्रयास ये किया गया है कि हम कॉलेज से करीब 100 मीटर दूर जो ग्राउंड है उसके पास ही सबको रोक देंगे और वहाँ से सिर्फ कैंडिडेट वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही अंदर आए। तो और यहाँ पर जब वो आएगा तो उसका रजिस्ट्रेशन रूम के अंदर डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, फ्रिस्किंग होगी और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से 15-15 बच्चों का जो बैच होगा वही रूम तक जाएगा। तो कहीं पर भी हम कोविड की अवहेलना नहीं करेंगे। जो दिशा निर्देश हमको मिले हैं उनका पूरी पालना की जाएगी। सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, ये जो भी हमारे यहाँ एग्ज़ाम में ड्यूटी लगी होगी और जो बच्चों के डायरेक्ट संपर्क में आएगा, चाहे वो गेट पे एंट्री पे हो, चाहे रजिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो वॉलेंटियर हो, उसके पास फेस शीट जरूर होगी ताकि वो डायरेक्ट किसी संक्रमित के एक्सपोजर में ना आए। बीकानेर जिले के शेरुणा गांव में जोधासर गांव के पास सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 सैन्य अधिकारियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, तो वहीं 2 अन्य सैनिक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर शिरोना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायल जवान को गाड़ी में से निकालकर पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया, तो वहीं सैन्य अधिकारियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे का कारण टायर फटना और टायर फटने के कारण गाड़ी का अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटना बताया जा रहा है। फिलहाल घायल जवानों को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी है, तो वहीं सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सैन्य अधिकारी के शव बोर्चरी में रखवा दिए गए, तो वहीं परिजनों और सेना के उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई। शेरुणा अंतर्गत आने वाला एक गांव है जोधासर, वहां सुबह इतला मिली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया आर्मी की गाड़ी का। तो हम मौके पर पहुंचे तो पता चला कि वहां एक सफारी गाड़ी थी जिसमें 2 सैन्य ऑफिसर और 2 जवान और सवार थे। जो एक्सीडेंट के अंदर कर्नल साहब थे, एक मेजर साहब थे, दोनों की मौके पर डेथ हो गई और 2 जो सवार थे, एक जवान थे, एक हवलदार थे, एक सिपाही थे, दोनों को पीबीएम ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। उनकी भी हालात स्थिर बताई जा रही है और दोनों जो अधिकारीगण हैं उनका भी पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए हैं, पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई करें। सर, प्रथम दृष्टया दुर्घटना का क्या कारण लग रहा है? अभी तो कोई पशु सामने आने से
एक्सीडेंट होना बता रहे हैं, लेकिन पूर्ण चीज तो जांच के बाद ही सामने आएगी। गोगा गेट सर्किल स्थित पशु चिकित्सालय के पास ओवरलोडेड बस ने बिजली के तार तोड़ दिए और बिजली का तार टूटकर दुकान पर गिर गया। गुस्साए दुकानदारों ने बस को रोका और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना मिलने पर कोटगेट पुलिस मौके पर पहुंची और बस को सीज कर थाने ले जाया गया, तो वहीं बिजली कंपनी के अधिकारी मौके पर बुलाकर तार को सही करवा लिया गया। भोग या कोई मिठाई सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान मल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। SDP मेमोरियल स्कूल Co-educational English medium school. Excellent infrastructure, air-conditioned classrooms, smart classrooms, covered swimming pool. Well-equipped science lab, attractive and enhanced language and computer labs. Dance and music room, library, auditorium with a great accommodation. SDP Memorial School, Sri Dwarkapuri, inside Jasusar Gate, Bikaner. New campus, Sector 3, Muralidhar Vyas Nagar, Bikaner. Mobile 9983995831. 9983322831, 9875273831, 9610447606. हमारा यही है जतन, रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहन जी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर, कोटगेट बीकानेर। हेल्पलाइन नंबर 9251231230. विजिट www.mohanjiherbals.com। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हावड़ा जोधपुर बीकानेर सुपर फास्ट स्पेशल अब नए नंबर से होगी संचालित। 1 अक्टूबर 2020 से परिवर्तन होगा जारी। इस परिवर्तन के बाद वर्तमान में चल रही गाड़ी के मेड़ता रोड स्टेशन पर बीकानेर की ओर जाने वाली गाड़ी के जुड़ने अलग होने वाले समय की बचत होगी। साथ ही परिवर्तन के बाद हावड़ा से प्रस्थान करने वाली रेल सेवा अपने नियत समय पर प्रस्थान कर सकेगी। रेलवे की समय सारणी में किया गया परिवर्तन। भारतीय रेलवे द्वारा स्पेशल रेलवे सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे पर हावड़ा जोधपुर बीकानेर स्पेशल रेल सेवा भी सम्मिलित है। इस रेल सेवा के संचालन में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में यह रेल सेवा 2 नंबर से चलती है, 1 02307 02308 हावड़ा जोधपुर हावड़ा तथा 03111 03112 मेड़ता रोड बीकानेर मेड़ता रोड, यानी कि मेड़ता रोड पर ये 2 पार्ट में होकर एक पार्ट जोधपुर जाता है और एक पार्ट बीकानेर जाता है। अभी यह रेल सेवा डेली इस प्रकार से चल रही थी, इसमें परिवर्तन किया गया है। अब 2 अलग अलग रेल सेवाएं चलेंगी। हावड़ा जोधपुर हावड़ा के मध्य नए नंबर से 02385 02386 सब हफ्ते में 4 दिन चलेगी
और हावड़ा बीकानेर हावड़ा के मध्य नए नंबर 02387-02388 सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इस परिवर्तन से यात्रियों को लाभ होगा, यानी कि जोधपुर से जोधपुर पहुंचने में यह रेल सेवा 1 घंटा पहले अपने नियमित समय, जो अभी जो इसका समय है उससे 1 घंटा पहले पहुंचेगी, यानी कि 1 घंटे की बचत होगी। और इसी प्रकार से बीकानेर यह रेल सेवा 1.25 घंटा पहले पहुंचेगी, यानी कि इसके समय में 1.25 घंटे की बचत होगी। यात्रियों से निवेदन है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले इसकी समय सारणी IRCTC की वेबसाइट पर और इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर देख लें। यह जो चेंजेस हैं यह अक्टूबर के महीने से लागू होंगे, और यात्रियों से निवेदन है कि वे इसकी डिटेल्स रेलवे की वेबसाइट पर देखकर ही यात्रा करें। विप्र फाउंडेशन के द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम के 20वें चरण में मुरलीधर व्यास नगर में स्थित शिव मंदिर में काढ़ा वितरण किया गया। प्रदेश सचिव कैलाश आचार्य ने अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष भंवर पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में विप्र फाउंडेशन ने सामाजिक सरोकार से जुड़े हर कार्य को प्राथमिकता से सक्रिय रहते हुए पूर्ण किया है। कार्यक्रम प्रभारी योगेश मिश्रा ने क्षेत्रवासियों द्वारा किए गए सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया, तो वहीं जिला अध्यक्ष राजकुमार व्यास ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि रविवार को जसूसर गेट के अंदर काढ़ा वितरण कार्यक्रम किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए व्हीकल चलाने वालों के मास्क नहीं होने, बिना हेलमेट वाहन चालक, फोर व्हीलर में चालक की सीट बेल्ट नहीं बांधकर गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेजर पूर्ण सिंह सर्किल पर बीकानेर यातायात पुलिस के द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। वो चालान तो श्रीमान टाइगर साहब एवं श्रीमान TI साहब के आदेश अनुसार जो महामारी एक्ट है अध्यादेश 2020 के तहत जो बिना मास्क आ रहे हैं उनको हम समझाइश करके छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका चालान ASI या सब इंस्पेक्टर या CI टाइप से कर सकते हैं। बाकी हम जो बिना जो MU एक्ट में बिना नंबरी व्हीकल्स हैं या बिना जो बाइक पे हेलमेट के बिना चल रहे हैं, और बाकी जो भी कोई ऐसे कैंडिडेट जो बाइक पर 3 सवारी या बिना लाइसेंस या बिना डॉक्यूमेंट के या बिना कोई MU एक्ट की उल्लंघन करके चल रहे हैं, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई अधिक से अधिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोक करके उनके चालान बना रहे हैं। और बाकी ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो बिना मास्क आता है उनको समझाइश करते हैं ताकि वो आइंदा मास्क लगाए और इस महामारी को रोकने में कोई कामयाबी मिल सके। शनिवार शाम तक जारी पहली रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण के 74 नए पॉजिटिव केस अंकित किए गए। इसी के साथ बीकानेर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण का बढ़ना चिंता का विषय है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने से हम कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकते हैं। एक नजर फिर से आज की सुर्खियों पर। बीकानेर की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीकानेर अब तक। शिवांगी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।